Hello everyone, I hope you are all well at your place. In this video lecture, we cover important point about chapter electromagnetic induction, and this video is helpful for solving multiple choice question based on electromagnetic induction, and you have to watch this video till end so that you get maximum. Electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? The phenomena of producing EMF and hence induce current in a closed circuit due to change in magnetic field or a change in magnetic flux linked with the closed circuit is known as the electromagnetic induction. Electromagnetic induction क्या होता है? वो phenomena जिसकी सहायता से हम किसी भी closed circuit है और उसका हम magnetic flux जो उसके साथ link कर रहा है या उसकी जो magnetic field है अगर हम उसको change करवा देते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ सेटअप हो जाती है और जिसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो करना शुरू कर देता है. तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जैसे हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है तो वहाँ पे हमारे पास हमने ये कॉइल ले ली, ठीक है, इसके साथ ये गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया है और ये मैग्नेट लिया, नॉर्थ और साउथ पोल हैं इसके दो, और जब नॉर्थ पोल को हम इस कॉइल की तरफ लेके आते हैं तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा इस कॉइल के साथ वो चेंज करेगा, जिसके कारण क्या होगा, इसमें ईएमएफ सेटअप हो जाएगी और करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन शो करेगा. मान लो अभी राइट हैंड साइड उसने डिफ्लेक्शन शो की. जब हम इस मैग्नेट को अभी लेके जाएंगे, मतलब दूर लेके जाएंगे कॉइल से, तो ये दोबारा फिर गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा बट उसके अपोजिट डायरेक्शन. तो इस तरह से जो हम ईएमएफ इंड्यूस करवाते हैं किसी क्लोज सर्किट में तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? द मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड ए मैग्नेट दैट हैज मैग्नेटिक फोर्स. कोई भी मैग्नेट है उसके चारों ओर वो एरिया जिसके अंदर अगर हम किसी और मैग्नेट को, मतलब जैसे अगर आप मैग्नेटिक नीडल को उस रीजन में लेके आते हो तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड. जैसे मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इसके, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं विद इन द मैग्नेट जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ. अगर हम अभी इसके चारों ओर एक रीजन होगा, अगर इस रीजन में हम मान लो मैग्नेटिक नीडल को लेके आते हैं तो क्या होगा, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो दैट इज द रीजन जो होगा वो, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे. और जो मैग्नेटिक फोर्स होती है उसको हम लिखते हैं, उसके लिए जो एक्सप्रेशन होता है एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. क्यू होगा चार्ज, वी होगी उसकी स्पीड और ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड. और जो एसआई यूनिट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के वो होते हैं टेस्ला, और सीजीएस सिस्टम में यूनिट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के गॉस. और जो ये टेस्ला और गॉस जो हैं मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट, इन दोनों के बीच रिलेशन होता है वन गॉस इज इक्वल टू 10^-2 टेस्ला. नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सर्फेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू दैट सर्फेस. मतलब कोई सर्फेस ले ली, जैसे हमने ये सर्फेस लिया है, यहाँ इस सरफेस में से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट होकर जा रही है वो क्या होगा, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस. और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम लिखते हैं फाइव वी इज इक्वल टू वी डॉट ए के साथ. बी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ए होगा एरिया. यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बी आ गया और जो ये एन यूनिट वेक्टर इसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, तो फाइव वी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट होती है उसके बीच में आता है कॉस थीटा, तो फाइव वी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा हो जाएगा. अब इसके लिए हम स्पेशल केसेस देखते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाइव वी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई, अभी मैग्नेटिक फील्ड को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, एक आ गया बी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बी कॉस थीटा और ये एंगल थीटा है और एन जो ये डायरेक्शन को शो कर रहा है यहाँ पे. सो स्पेशल केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, जब ये थीटा जीरो होगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस.
जब थीटा जीरो आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी प्लेन ऑफ द सरफेस। सो फाइव इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री, दिस इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 किसके होता है 1 के बराबर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या जाएगा बी ए तो मैक्सिमम होगा। मीन्स जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी इसके प्लेन ऑफ द सरफेस तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। सेकंड केस है जब थीटा 90 होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द प्लेन ऑफ द सरफेस, जब प्लेन ऑफ द सरफेस के अलोंग होगी तो इन दैट केस एंगल 90 डिग्री का आएगा, तो फाइव वी इज इक्वल टू बी ए कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इन एसआई सिस्टम यूनिट होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के वेबर, और सीजीएस सिस्टम में मैक्सवेल। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट जो है एसआई में वेबर और सीजीएस में मैक्सवेल, इन दोनों के बीच रिलेशन होता है 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10^-8 वेबर। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। हमें पता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, सिंस बी किसके बराबर होती है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज इनटू वेलोसिटी, सो एंड कॉस थीटा इज डायमेंशनलेस, तो फाई वी किसके बराबर होगी एफ ए ओवर क्यू बी। ठीक है, जो चार्ज है क्यू, अभी करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज किसके बराबर आ गया करंट इंटू टाइम, तो क्यू की जगह हम लिखते हैं आई टी, ये बन गया एफ ए ओवर आई टी वी। फोर्स के लिए डायमेंशन फार्मूला एम एल टी माइनस टू, और एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वेयर आ जाएगा। और जो ये करंट के लिए एम्पियर ए, टाइम के लिए टी आ जाएगा, वी के लिए एल टी माइनस वन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइव वी इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू ए इनवर्स, ये डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स के। फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, क्या किया कि एक मैग्नेट ले लिया और एक कॉइल, ठीक है, कॉइल के साथ ग्लोबेनोमीटर अटैच कर दिया। ग्लोबेनोमीटर तब अटैच किया क्योंकि चेक करना था कि वेदर देर इज अ फ्लो फ्रंट इन द सर्किट और नॉट। सबसे पहले क्या किया, मैग्नेट को लेके आए वो कॉइल की तरफ। जब नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का फेस करेगा इस कॉइल को, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा इस कॉइल के साथ वो चेंज करेगा, जिसके कारण क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। मान लो ग्लोबेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि करंट फ्लो कर रहा है इसमें, तो अगर मान लो डिफ्लेक्शन आती है पहले राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है, जब हम नॉर्थ को इस तरफ लेके आए। अब ये करेंगे नॉर्थ पोल को अब हम इस कॉइल से अवे लेके जाएंगे, तो क्या होगा ग्लोबेनोमीटर फिर डिफ्लेक्शन शो करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अभी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे हमारे पास देयर इज अ रिलेटिव मोशन रहेगा इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा ईएमएफ बनती जाएगी और करंट फ्लो करता रहेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, इस एक्सपेरिमेंट से हेनरी और फैराडे ने जो कंक्लूजन निकाला, उन्होंने फर्स्ट पॉइंट जो दिया, वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड ए मैग्नेट इंड्यूस ईएमएफ इज सेटअप अक्रॉस द कॉइल और इंड्यूस करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। उन्होंने बताया कि जब हमारे पास कॉइल और मैग्नेट के बीच में, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो क्या होगा उसके कारण इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो जाएगी अक्रॉस द कॉइल, सो इसके कारण क्या होगा करंट फ्लो कराना शुरू कर देगा कॉइल में से। सेकंड क्या निकाला उन्होंने कंक्लूजन, लार्ज इंड्यूस ईएमएफ और करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल इज लार्ज। अगर हम मैग्नेट को फास्ट मूव करवाएंगे टूवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, मतलब उनमें लार्ज होगा मोशन होगा, तो उसके कारण क्या होगा लार्ज करंट फ्लो करेगा, लार्ज इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगी। थर्ड पॉइंट क्या बताया उन्होंने, इंड्यूस करंट लास्ट इन द कॉइल एज लॉन्ग एज द मैग्नेट मूव्स विद रिस्पेक्ट द कॉइल, और करंट जो है कब तक फ्लो करता रहेगा उस कॉइल में से, जब तक कॉइल और मैग्नेट के बीच, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर टू उन्होंने किया गया, सेकंड एक्सपेरिमेंट में जहां पे उन्होंने मैग्नेट लिया था वहां पे उन्होंने एक कॉइल ले ली, ठीक है, मींस एक कॉइल को रैप कर दिया है किसके ऊपर, सिलिंड्रिकल कोर के ऊपर।
और उसको बैटरी के साथ ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, मान लो ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे यहां से करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगी इस कॉइल के साथ वो चेंज होगी। अभी यहां पे सेकेंडरी कॉइल ली है, जब हम इसको इसकी तरफ लेके आएंगे सेकेंडरी कॉइल की तरफ, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रही है इस कॉइल के साथ, सेकेंडरी कॉइल के साथ, वो चेंज होगी, जिसके कारण क्या होगा, ईएमएफ इसमें सेट अप हो जाएगी और करंट फ्लो कराना शुरू कर देगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा जब हम इसको इसी तरफ लेके आ रहे हैं। तो मतलब मान लो वो राइट हैंड साइड शो कर रहा है, जब अभी लेके जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड शो करेगा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या निकाला, इंड्यूस ईएमएफ एंड द करंट इन द इज प्रोड्यूस इन ए कंडक्टिंग कॉइल व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन अ करंट कैरिंग कॉइल एंड अ नियर बाय कंडक्टिंग कॉइल। मतलब क्या है, जब रिलेटिव मोशन होगा किसके बीच में, करंट कैरिंग कॉइल मतलब ये प्राइमरी कॉइल जो ली है और सेकेंडरी कॉइल जो ये कंडक्टिंग कॉइल है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो क्या होगा, ईएमएफ सेटअप हो जाएगी और करंट जो है प्रोड्यूस हो जाएगा इन कंडक्टिंग कॉइल में। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इसमें क्या किया उन्होंने, ये एक उन्होंने कोई कोर ले ली, इसके ऊपर उन्होंने दो क्वाइल्स को रैप कर दिया। ठीक है, अभी दोनों क्वाइल जो स्टेशनरी हो गई, मूव नहीं करवाएंगे हम। ठीक है, और जो ये प्राइमरी क्वाइल है इसके साथ एक बैटरी लगा दी, साथ में की, और जो सेकेंडरी क्वाइल थी उसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा दिया। फिर क्या किया, जैसे हम यहाँ पे की क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करना शुरू कर गया इस क्वाइल में से, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड करेगा इस कॉइल के साथ वो भी चेंज होगा, जिसके कारण क्या नियर बाई कॉइल जो है इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो जिसके कारण क्या होगा, ईएमएफ सेटअप हो जाएगी और करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने, इन द दिस एक्सपेरिमेंट द कॉइल हैव नो रिलेटिव मोशन येट चेंजिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। मतलब अभी ये दोनों जो क्वाइल है प्राइमरी और सेकेंडरी, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, बट फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप कर सकते हैं नियर बाई क्वाइल में, मतलब उसमें से करंट फ्लो करवा सकते हैं। कैसे, जो प्राइमरी क्वाइल है उसमें करंट को चेंज करना है, जिसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसकी चेंज करेगी, उसके कारण क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी, जिसके कारण क्या होगा, ईएमएफ सेट हो जाएगी और इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फैराडे, जो था उन्होंने लॉ दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। तो फैराडे ने मेनली दो लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ उनका फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव लॉ भी बोलते हैं। क्या बताया उन्होंने इसमें, व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर और कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू इन द कॉइल। उन्होंने क्या बताया कि जब कोई कॉइल है उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है, ठीक है, अगर वो चेंज करेगा कॉइल या कोई कंडक्टर हो गया उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा, अगर हम उसको वो चेंज हो रहा है तो क्या होगा, उसमें एक ईएमएफ सेटअप हो जाएगी। ठीक है, और उन्होंने बताया कि जो ईएमएफ है कब तक रहेगी, जब तक उस कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है वो चेंज होता रहे, तब तक वो उसमें ईएमएफ सेटअप होती रहेगी। जो सेकंड लॉ था फैराडे का, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर और कॉइल। फर्स्ट लॉ में उन्होंने तो बता दिया कि अगर हम किसी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है उसको चेंज करवा दें तो वहां पे ईएमएफ सेटअप हो जाएगी। सेकंड में उन्होंने बताया कि जो ईएमएफ सेटअप होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज विद द टाइम, दैट इज उसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी ओवर डी टी। और जो अगर हम ई क्या है, ईएमएफ हो गया और फाइव बी क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स, डी बाई डी टी मतलब इसका द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईएमएफ के। ठीक है, और इसका मॉड लेंगे तो ई इज इक्वल टू डी फाइव बी ओवर डी टी हो जाएगा। इफ अ क्वाइल हैज एन टर्न्स,
देन इक्वेशन वन बिकम्स, अगर क्वाइल के एन नंबर ऑफ टर्न्स हो तो ईएमएफ क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू एन डी फाइव बी ओवर डी टी। अभी इंड्यूस करंट निकालना हो तो करंट किसके और होता है, ईएमएफ इंड्यूस ओवर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मोड ऑफ इज ओवर आर इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू डी फाइव बी ओवर आर डी टी हो जाएगा, क्लियर। उसका नेक्स्ट आता है लेंज लॉ। जो लेंज थे उन्होंने एक लॉ बताया, क्या लॉ था उनका, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजिज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। मतलब जो इंड्यूस ईएमएफ होगी उसकी पोलैरिटी क्या होगी, वो इस तरह से होगी कि जो उसमें प्रोड्यूस होगा उसको वो अपोज करेगी। अकॉर्डिंग टू लेंस, अगर हम नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का उसको हम कॉइल की तरफ लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, जो कॉइल जो है इसका अपर एंड भी नॉर्थ पोलैरिटी का होगा, मतलब ये इसको अपोज करेगा। तो यही हमारे पास लेंस लॉ है, और उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो पोलैरिटी होगी इंड्यूस ईएमएफ की वो क्या करेगी, अपोज करेगी विच प्रोड्यूसेस इट, और ई किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एन डी फाइव बी ओवर डी टी। अभी हम देखेंगे जो क्लॉक रूल ऑफ फिटिंग जो कैसे अप्लीकेबल होता है। अब ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ और ये साउथ पोल, ठीक है, और ये लूप है, ठीक है। अभी जो मैग्नेट को है हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं, इस लूप की तरफ। तो क्या होगा कि जो जो लूप का जो है, अगर ये नॉर्थ पोलैरिटी है तो ये भी अकॉर्डिंग टू लेंस ये भी क्या बनेगा, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ बनेगा, तभी ये इसको अपोज कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोलैरिटी मींस इसमें जो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो हमारे पास किस तरफ होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो, जब हम नॉर्थ पोल को अभी लेके जाएंगे अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, जो ये लूप है इसका ये पोल करेगा, साउथ पोल बिहेव करेगा, और जो करंट की डायरेक्शन होगी जी आएगी हमारे पास वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट वन है, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप इंक्रीजेज, करंट इन द लूप इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक जो कर रहा है किसी क्लोज लूप के साथ अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो करंट किस तरफ होगा, जो करंट की डायरेक्शन जो होगी लूप में वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। सेकंड पॉइंट, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्वाइल लूप डिक्रीजेस, किसी क्वाइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है वो डिक्रीज हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इन द लूप क्लॉक वाइज। तो लेंज लॉ जो है इज इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किसके अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। नेक्स्ट आता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अगर आप अपने हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करो कि जो थंब आ गया, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर, ठीक है, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो जो थंब जो है वो मोशन को बताएगा और मैग्नेटिक फील्ड जो है फर्स्ट फिंगर पॉइंट करेगी उस तरफ, डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की होगी, और जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलोंग द फर्स्ट फिंगर हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग द थंब, डायरेक्शन ऑफ करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ अलोंग द मिडिल फिंगर, किसके अकॉर्डिंग होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो उसको हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्स्ट इंड्यूस ईएमएफ वाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंड्यूस करवा सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ वाई चेंजिंग द एरिया, मतलब मोशनल ईएमएफ एरिया को चेंज करके, और जो एक्सप्रेशन होता है मोशनल ईएमएफ के लिए वो होता है ई इज इक्वल टू वी एल वी, मतलब ई क्या हो गया ईएमएफ, बी मैग्नेटिक फील्ड, एल उसकी लेंथ हो जाएगी और वी वेलोसिटी, ठीक है। आगे मोशनल इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग रॉड रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब हमारे पास कोई कंडक्टिंग रॉड जो है वो रोटेट करेगी किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें जो मोशनल ईएमएफ होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी, वो किसके बराबर होगी, ई इज इक्वल टू वन बाई टू वी एल स्क्वेयर ओमेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इस तरह से ये रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है,
और पी क्यू, अभी क्यू से कहाँ तक चली गई, क्यू डैश के ऊपर, क्लियर। अभी एंगल यहाँ पे अल्फा ले लेते हैं, ये इसकी लेंथ होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, मोशनल ईएमएफ ई इज इक्वल टू 1/2 बी एल स्क्वेयर ओमेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ लॉरेंस फोर्स, जो लॉरेंस फोर्स होती है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर पावर डिसिपेटेड इन अ कंडक्टर मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, पावर के लिए एक्सप्रेशन निकालना है जब आपके उसको कंडक्टर जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमारे पास जो पावर हो जाएगी पी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर एल स्क्वेयर ओवर आर, ठीक है। अभी ये क्रॉस क्रॉस जो लगाए हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और किस तरफ है, इनवर्ड द पेपर, डायरेक्शन है इसकी, मतलब इसका जो ये पेपर इसके इनवर्ड, जो ये ए बी आर्म है और जिसकी लेंथ एल है वो बी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है। और तो यहाँ पे जो पावर होगी वो आ जाएगी बी स्क्वेयर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वेयर मल्टीप्लाई उसकी वेलोसिटी का स्क्वेयर मल्टीप्लाई जो लेंथ होगी इस आर्म की एल उसका स्क्वेयर डिवाइड बाई आर। एडी करंट, जो एडी करंट होते हैं उसको हम फोकाल्ट करंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो फोकाल्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने एडी करंट को डिस्कवर किया था। एडी करंट क्या होता है, द इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इट सेल्फ ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर और कॉल्ड एडी करंट्स। जब किसी कंडक्टर के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके कारण क्या होता है, वहां पे इंड्यूस सर्कुलेटरी करंट होते हैं, मतलब अपने आप इंड्यूस हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द एडी करंट्स। और देखो यहाँ पे ये कंडक्टर है, ठीक है, ये मैग्नेटिक ब्लॉक ले लिया और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है यहाँ पे, इस तरफ ये डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से सर्कुलेटिंग करंट जो है अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द एडी करंट। एडी करंट की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम जंपिंग डिस्क का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, एक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लिया ये, ठीक है, क्लियर। और जो ये इसके यहाँ अराउंड हमने एक ये सोलेनोइड जो है उसको क्या किया हुआ है, रैप कर दिया, सोर्स है जहाँ से हम करंट लेंगे। तो जब हम की को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगी सोलेनोइड के साथ वो इंक्रीज होना शुरू कर देगी, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, जो कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है वो आल्सो इंक्रीज करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसके ऊपर हमने पहले ये मेटेलिक डिस्क रखी हुई है, तो मेटेलिक डिस्क में क्या होगा, उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, एडी करंट प्रोड्यूस होने से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है जो प्रोड्यूस होगी, मान लो अगर हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसका जो अपर फेस जो आ रहा है ये नॉर्थ पोलैरिटी का आ जाता है, ठीक है, जब मतलब ये एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा ना, तो हमारे पास नॉर्थ पोल आ गया, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो ये मेटेलिक डिस्क है इसका जो लोअर फेस जो है वो भी नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, नॉर्थ पोल में रिपल्शन होगी और ये डिस्क जो है जंप कर जाएगी, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स। एडी करंट्स की एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट है इंडक्शन फर्नेस, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इंडक्शन फर्नेस में। दूसरा स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर में यूज किया जाता है, जो गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगा होता है जिसके द्वारा हम स्पीड मेजर करते हैं किसी व्हीकल की, वहां पे इसका यूज किया जाता है। दूसरा जो है डेड बीट गैल्वेनोमीटर में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स इन द इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक होती है वहां पे एडी करंट का यूज किया जाता है। डायथर्मी में इसका यूज किया जाता है। एनालॉग एनर्जी मीटर में इसका यूज होता है। इंडक्शन मोटर में इसका यूज होता है एडी करंट्स का। इंडक्शन कुकिंग में भी, जो इंडक्शन कुकर होता है, इंडक्शन चूल्हा होता है ना वो हमारे पास, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। इंडक्टोथर्मी में भी इसका यूज किया जाता है एडी करंट्स का। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ एडी करंट्स। एडी करंट्स इन अ मेटेलिक ब्लॉक लीड्स टू द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। कोई भी मेटेलिक ब्लॉक है उसमें जब एडी करंट प्रोड्यूस होंगे तो उससे कारण क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और हीट से क्या होगा, वहां पे एनर्जी का लॉस होगा। सेकंड, हीट प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक मशीन्स और अप्लाइंसिस ब्रेक्स द इंसुलेशन, मतलब
जो अप्लाइंसेस जो हैं उनके बाहर जो इंसुलेशन लगा होगा, तो जब वो हीट हो जाएंगी अप्लाइंसेस, तो उसके कारण क्या होगा, जो इंसुलेशन बाहर जो लगा वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो अप्लायंस जो है वो खराब हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है, उसके कारण क्या होता है, वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट जो है, एडी करंट्स मे कॉज अनवांटेड डैम्पिंग इफेक्ट, मतलब ये इसके कारण क्या है, डैम्पिंग इफेक्ट भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, टू मिनिमाइज लॉसेस ड्यू टू द एडी करंट्स द सॉलिड मेटेलिक कोर इज रिप्लेस्ड विद द लार्ज नंबर ऑफ थिन शीट्स। अभी एडी करंट्स को हमने क्या करना है, कम करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो ये सॉलिड कोर ली है इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे लार्ज नंबर ऑफ शीट के साथ, मतलब इस तरह से इसके पीसीस बना के और ये रिवेट लगा के इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और जो ये सिंगल पीस होगा ये किस तरह का होगा, लेमिनेटेड होगा, ठीक है, और बीच में ये होल होंगे। एडी करंट मे बी रिड्यूस बट नॉट इलिमिनेटेड कंप्लीटली, जो एडी करंट जो है उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बट उनको कंप्लीटली इलिमिनेट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एडी करंट्स आर जनरेटेड इन कंडक्टर एंड नॉट इन द इंसुलेटर। जो एडी करंट जो होते हैं वो कंडक्टर में जनरेट होते हैं, इंसुलेटर में नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाई वर्चू ऑफ विच इट अपोजेज द ग्रोथ और डिके ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सेल्फ इंडक्शन जो होता है एक कॉइल की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो होना शुरू होता है, तो उसको वो फ्लो नहीं होने देगी, अगर डिके खत्म हो रहा है तो उसको खत्म नहीं होने देगी। तो ये प्रॉपर्टी जो है कॉइल की वो क्या कहलाती है, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। और जो सेल्फ इंडक्शन है इज ऑल्सो नोन एज द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट अपोजिज द ग्रोथ और डिके ऑफ द करंट इन द सर्किट। जो सेल्फ इंडक्शन है उसको हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करती है सेल्फ इंडक्शन, ना तो वो करंट को आगे बढ़ने देती है, मतलब उसको अपोज करती है, मतलब ना तो ज्यादा एकदम बढ़ने देती है और ना ही खत्म होने देती है, ठीक है। और जो 5E मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इंडक्टेंस मल्टीप्लाई करंट, और EMF किसके बराबर आ जाएगी, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जो सेल्फ इंडक्टेंस होते हैं उसके क्या यूनिट होते हैं, इन SI सिस्टम सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट होते हैं हेनरी। वी नो दैट E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब इसको रिरेंज करेंगे तो L इस साइड रह जाएगा और डी आई बाई डी टी मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाई जाएगा, तो L इज इक्वल टू E ओवर डी आई बाई डी टी। अभी यूनिट क्या हो जाएंगे इसके, EMF के वोल्ट होते हैं, करंट के एम्पियर और टाइम के सेकंड, तो वोल्ट एम्पियर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर सेकंड इनवर्स। आल्सो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इंडक्टेंस मल्टीप्लाई करंट, फाइ इज इक्वल टू एल आई, तो एल इज इक्वल टू फाइ ओवर आई हो जाएगा, इंडक्टेंस के यूनिट हेनरी, मैग्नेटिक फ्लक्स के वेबर, करंट के एम्पियर, तो हेनरी इज इक्वल टू 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर एम्पियर इनवर्स भी होता है। डायमेंशन फार्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए डायमेंशन फार्मूला, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ईज होता है हमारे पास एल डी आई बाई डी टी, और एल इज इक्वल टू ई डी आई बाई डी टी हो जाएगा, और आगे जो EMF वर्क अपॉन चार्ज, और यहाँ पे डी आई बाई डी टी, और चार्ज को नीचे लेके आ जाएंगे तो क्या डब्ल्यू डी क्यू बाई डी टी आई हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी आई होगा तो डब्ल्यू ओवर आई डी आई, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला, और आई आई करंट हो गया एम्पियर स्क्वेयर, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो एम एल टू टी माइनस टू ए स्क्वेयर इनवर्स बन जाएगा डायमेंशन फार्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनाइड, जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है किसी सोलेनाइड की, उसके लिए एक्सप्रेशन, तो पहले हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इन साइड द सोलेनाइड, उसके लिए रिलेशन क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। म्यू नॉट कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनाइड, और आई करंट हो गया, ठीक है। तो एल किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल, और एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर एल ओवर ए, क्योंकि स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो किसके बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे एन की जगह हम क्या भर देंगे, एन ओवर एल। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी सोलेनाइड की, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर एल मल्टीप्लाई ए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, फैक्टर ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलोनाइड और ए क्वाइल डिपेंड, वो फैक्टर कौन से होते हैं जिसके ऊपर सेल्फ इंडक्टेंस जो है
किसी सोलोनाइड की या क्वाइल की डिपेंड करती है, क्योंकि हम जानते हैं जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है सोलोनाइड की वो होती है एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल। ठीक है, तो क्या हो गया, जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द सोलोनाइड, जो लेंथ होगी सोलोनाइड की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलोनाइड, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा सोलोनाइड का, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलोनाइड कि जो सोलोनाइड है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, लास्ट वन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ द सोलोनाइड, जो कोर उसके बीच में प्लेस की गई है उसका किस तरह का मटेरियल है, उस नेचर किस नेचर का है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ ग्रुपिंग ऑफ अ क्वाइल्स, जो इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस होगी जब हम क्वाइल्स को ग्रुप करेंगे, फर्स्ट जो है क्वाइल्स कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब दो क्वाइल्स को हमने किस में लगाया, सीरीज में लगाया हुआ है एंड टू एंड। ठीक है, क्वाइल की इंडक्टेंस जो फर्स्ट ली उसकी एल वन, दूसरी की एल टू, और इस तरह से एंड टू एंड ज्वाइन किया सीरीज में। तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस बनेगी एल इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू। दूसरा है क्वाइल कनेक्टेड इन पैरेलल, जब पैरेलल में लगाएंगे तो मतलब ये एक ये इस तरह से दोनों ही पैरेलल में लगा दिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगी एल इज इक्वल टू एल वन टू ओवर एल वन प्लस एल टू, मतलब उसकी इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, जो एनर्जी स्टोर होती है किसी इंडक्टर में उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, यू इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वेयर। तो आई नॉट क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और एल क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन अ सोलेनाइड, जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर जाएगी, यू एम इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वेयर ए एल ओवर म्यू नॉट, उसके लिए रिलेशन ये आता है। नेक्स्ट आता है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, पहले हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोलेनाइड, ये रेशियो होती है किसकी, मैग्नेटिक एनर्जी और वॉल्यूम की किसी सोलेनाइड का। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाई यू एम वार के साथ। ठीक है, यू एम वार किसके बराबर हो गया, बी स्क्वेयर ओवर टू म्यू नॉट, ये रिलेशन आ जाएगा इसके लिए, किसके लिए, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के लिए। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जो हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होगी किसके बराबर होती है, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी के यूनिट होते हैं जूल, वॉल्यूम के मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर क्यूब। अभी डायमेंशन फार्मूला निकालना है, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है, इट इज़ अ रेशियो किसकी होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है एम एल टू टी माइनस टू, और वॉल्यूम का एल क्यूब। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, रीरेंज करेंगे, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन ए क्लोज क्वाइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट विद टाइम इन नियर बाई क्वाइल। मतलब क्या है, अगर हम दो क्वाइल्स लेते हैं तो एक क्वाइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है उसकी सहायता से क्या करें, जो नियर बाई क्वाइल है उसके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवा दें, तो जिसके कारण क्या उसमें एक ईएमएफ सेटअप हो जाएगी, और इसके लिए जो मेथड अब हम यूज कर रहे हैं वो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, प्राइमरी क्वाइल ले ली, सेकेंडरी क्वाइल ले ली। ठीक है, प्राइमरी के साथ हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, साथ में की, और ये सेकेंडरी क्वाइल के साथ गैल्वेनोमीटर। जब हम ये की क्लोज करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा इस क्वाइल में से, करंट फ्लो करेगा। तो आप जानते हो कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर पढ़ा है आपने, तो मतलब जब किसी भी कनेक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइज करती है, तो उसके कारण क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगी इस क्वाइल के साथ, प्राइमरी क्वाइल के साथ, वो चेंज करेगी। तो इसके नियर बाई सेकेंडरी क्वाइल है, इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज करेगी, जिसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, तो मतलब ईएमएफ सेटअप हो जाएगी, इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शुरू कर देगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग को एक्सियल सोलोनाइड ऑफ इक्वल लेंथ। जब आपके पास दो को एक्सियल सोलोनाइड है और इक्वल लेंथ है, तो उनकी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसके लिए रिलेशन क्या होता है, एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू ए ओवर एल। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक क्वाइल ऑफ डिफरेंट रेडियाई। अगर दो क्वाइल्स हैं कंसेंट्रिक, मतलब उनका सेम सेंटर है और रेडियस क्या उनका डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये ले ली क्वाइल जिसका रेडियस आर वन है, दूसरी का आर टू है। ठीक है,
तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी इन दिस केस वो आ जाएगी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर टू पाई आर वन का स्क्वेयर ओवर आर टू का स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल ऑफ डिफरेंट रेडियाई। मतलब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसकी, टू कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल की जिनका रेडियाई डिफरेंट है। देखो यहाँ पे ये रेडियस आर आ गया, यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर है, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगी म्यू नॉट ओवर टू पाई आर स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का 3/2। फैक्टर ऑन विच वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स, वो कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर वैल्यू जो होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वो डिपेंड करती है। फर्स्ट जो है ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स, दैट इज साइज शेप एंड नंबर ऑफ टर्न्स एन वन एंड एन टू ऑफ द कॉइल। मतलब जो ज्योमेट्री होगी टू कॉइल्स की, मतलब जो उनका साइज होगा, शेप होगी और नंबर ऑफ टर्न्स जैसे एन वन और एन टू कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा नेचर ऑफ द मटीरियल ऑन विच द टू कॉइल्स आर बॉन्ड, मतलब जिस मटीरियल के ऊपर आप उन कॉइल को बॉन्ड कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड वन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल, दो कॉइल्स के बीच की कितनी डिस्टेंस है उसके ऊपर भी। द रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल्स, किस तरह से उसको आप प्लेस कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कहाँ पे मैक्सिमम होगा कहाँ पे मिनिमम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फिगर ए जो है इसमें प्राइमरी कॉइल ये ले ली, सेकेंडरी कॉइल ये ले ली, इस तरह से हमने इसको प्लेस किया है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें ईएमएफ सेटअप होगी। ठीक है, तो इन दिस केस जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी वो मिनिमम होगी अगर इस तरह से आप उसको प्लेस करोगे। दूसरा फिगर बी में देख सकते हो एक कॉइल ये आ गई प्राइमरी, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है और सेकेंडरी यहाँ पे रैप की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम आएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस, अभी ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, प्राइमरी में करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ईएमएफ सेटअप होगी, तो यहाँ पे क्या होगा इंटरमीडिएट वैल्यू आएगी उसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस। कॉएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के साथ उसको लिखते हैं बिटवीन द टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस एल वन एंड एल टू एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इज गिवन बाय के इज इक्वल टू एम ओवर रूट एल वन मल्टीप्लाई एल टू। द वैल्यू ऑफ के लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, जो ये के है इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करती है जीरो और वन के बीच। वेन के इज इक्वल टू वन द कपलिंग ऑफ द कॉइल इज टाइट एंड एम इज इक्वल टू रूट एल वन एल टू, जब के वन होगा तो इन दैट केस जो कपलिंग है यहाँ पे कॉइल में वो टाइट होगी और जो उसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगी स्क्वेयर रूट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, मतलब एल वन और एल टू। ठीक है, नेक्स्ट जो है वेन के इज इक्वल टू जीरो द कपलिंग ऑफ द कॉइल इज लूज, तब लूज होगी तो उन दोनों के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी वो जीरो आएगी, यहां जैसे ये प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया। ठीक है, अगर के लेस देन वन है तो एम जो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस लेस देन स्क्वेयर रूट ऑफ एल वन एल टू, जनरली के इज लेस देन वन, जनरली क्या होता है के जो है लेस देन वन होता है। फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द कंडक्टर आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से बाहर निकालना है किसी कंडक्टर को तो उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, तो फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी और उसके लिए जो एक्सप्रेशन होगा एफ इज इक्वल टू बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी ओवर आर। नेक्स्ट है कॉएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम इज इक्वल टू फाइव एस ओवर आई पी एंड ई एम एफ इंड्यूस ई एम इज इक्वल टू माइनस एम डी फाइव बी ओवर डी टी होता है। द चार्ज फ्लोइंग इन सर्किट इन विच चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डी फाई इज डी क्यू इज इक्वल टू डी फाई ओवर आर, जो चार्ज फ्लो करेगा किसी सर्किट में से, मान लो अगर उसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई चेंज हो रहा है तो जो चार्ज होगा जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू डी फाई ओवर आर, जो उसकी रेजिस्टेंस होगी। द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड, जो कोर होती है ट्रांसफॉर्मर की उसे हम लेमिनेट क्यों करते हैं, टू डिक्रीज द एनर्जी लॉसेज ड्यू टू द एडी करंट, एडी करंट के कारण क्या होता है वहाँ पे एनर्जी लॉसेज होते हैं उसको हमने रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कोर जो होती है ट्रांसफॉर्मर की उसको हम लेमिनेट कर देते हैं। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कॉइल ऑफ ए सोलोनाइड इज डबल इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स जो है पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कॉइल उसको हम डबल कर देते हैं तो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो हम जानते हैं जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न का स्क्वेयर होती है, तो यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ टर्न्स को हम डबल कर रहे हैं तो एन का स्क्वेयर मतलब फोर बन गया, तो जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस होगी वो फोर टाइम हो जाएगी। तो इस तरह से आज हमने जो मेन पॉइंट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के बारे में स्टडी किए,
अभी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है तो वो उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के जो मेन पॉइंट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसके कारण क्या होगा जो एमसीक्यू जो होते हैं हमारे पास इन टॉपिक्स के बेस, उसको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली।